वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज में लेक्चर 3 में आज हम देख रहे हैं डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 2 में हमने डेटा क्या होता है वो पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा और एट्रीब्यूट क्या होता है उसको पढ़ा और काफ़ी अच्छे से उसको डिटेल में समझा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेस की। तो डेटाबेस क्या होता है ना, एक प्लेस है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा को स्टोर करते हैं। अगर मेरे पास डेटा है तो उसको कहीं तो स्टोर करेंगे ना। जनरली अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज़ योर मोबाइल, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, तो आपके मोबाइल है तो उसमें समझिए क्या क्या है। आपके पास फोटोज़ हैं, ठीक है, सॉन्ग्स हैं, ठीक है, फोटोज हैं, सॉन्ग्स हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। तो इसको आप सेव कहाँ रखते हो? कुछ तो सेव रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना। हाँ, तो हम कुछ अलग से या तो फ़ोन की मेमोरी यूज़ करते हैं या कुछ अलग से उसमें हम लोग कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, कुछ मेमोरी लगाते हो, ठीक है, कुछ मेमोरी लगाते हैं हम लोग, ठीक है, या बोलिए हम फोन मेमोरी की यूज करते हैं, फोन मेमोरी, या फिर हम लोग कुछ एसडी कार्ड लगाते हैं, या फिर उसको हम लोग पेन ड्राइव में भी स्टोर करते हैं और हार्ड डिस्क में भी स्टोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमको मतलब जो भी ये सब डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, ये सारे डेटा को, ठीक है, ये जो भी डेटा है, सॉरी, ये सारे यहाँ स्टोर है, ठीक है, ये सारे स्टोर है। और ये मतलब क्या, इसको सिंपल रेफर कर रहा है ये इस सारे टर्म को, ठीक है, ये मेरा फोन मेमोरी हो सकता है, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये सारे डेटा स्टोर होते हैं। तो हम अगर फ़ोन, अगर इन टर्म्स ऑफ ये मेरा क्या है, मोबाइल फ़ोन, अगर मेरा फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, तो यहाँ पे फोटो, सॉन्ग्स, वीडियोस, फाइल्स, तो ये मेरे फ़ोन मेमोरी, एसडी कार्ड या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में सेव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव है। सिमिलरली अगर हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत बड़े एप्लीकेशंस में, एसक्यूएल के एप्लीकेशंस में काम करते हैं, तो वो डेटा कहाँ सेव होता है? वो डेटा सेव होता है डेटाबेस में, ठीक है, वो डेटा सेव होता है डेटाबेस में, ठीक है। वो डेटा डेटाबेस में सेव होता है। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, मतलब ये जो फ़ोन मेमोरी, एसडी कार्ड, जो मेमोरी कार्ड है वो क्या है, एक तरह का स्पेस है जहाँ पे हम फोटो, सॉन्ग्स, वीडियो को स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली डेटाबेस भी एक स्पेस होगा ना जहाँ पे हम इस डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, है ना। चलिए फाइन, तो हमें ये समझ में आ गया कि डेटाबेस क्या है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन वाइज देखिए, तो डेटाबेस इज अ प्लेस और मीडिया वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ओके, डेटा तो स्टोर हो गया जो हम लोग फिगर में देख के समझ गए, बट कैसे, तो सिस्टमैटिक वे, तो सिस्टमैटिक वे में और इन ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड क्या हो गया, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज क्या हो गया, मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है जो सारा डेटा को कंप्यूटर से यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर से यहाँ पे स्टोर कर रहा है। अब वो क्या किया, कुछ डेटा इधर स्टोर कर दिया, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर नहीं किया,
मतलब एक और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इजी वे में समझ में आएगा। आप घर जाते हो, ठीक है, आप घर गए, ठीक है, ये आपकी अलमारी हो गई, ठीक है, अलमारी हो गई, ठीक है, एक सेकेंड होगा, कलर आपको नजर आ रहा होगा। तो लेट्स सपोज ये बॉयज की अलमारी है, ठीक है, ये अलमारी बॉयज की है और सिमिलरली ये अलमारी गर्ल्स की है, गर्ल्स की है, ठीक है, गर्ल्स की है। तो क्या होता है, लड़के क्या होते हैं, आए कुछ खाने बने हुए हैं, समझ लीजिए, ठीक है, एक खाने बने हुए अलमारी में, एक कपड़ा इधर, एक कपड़ा इधर, एक कपड़ा इधर, कुछ बेतरतीब ढंग से रखे हुए हैं, ठीक है, बेतरतीब ढंग से कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, और ये गर्ल्स की अलमारी है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, एकदम परफेक्ट मैनर में, दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटर कौन सा लग रहा है देखने में, अच्छा ये, ठीक है, तो जब यहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, अगर कोई तुरंत स्कूल से आया, ठीक है, मान लीजिए ये बंदा अभी फिलहाल के लिए बॉय है, ये गया घर, ठीक है, ये घर गया और इसे सडनली पार्टी में जाना है, ठीक है, सडनली पार्टी में, तो अलमारी खोला, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कपड़ा मैचिंग कपड़ा कहाँ, एक कपड़ा इधर नजर आ रहा है, अब ये एक नज़र यहाँ तो आ रहा है लेकिन उसके साथ जो मैचिंग पहनना है, टाई हो गए, शूज हो गए, ब्लेजर, वो कहाँ रखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, शर्ट नज़र आ गया, पैंट नज़र नहीं आ रहा, ब्लेजर नज़र नहीं आ रहा, शू नज़र नहीं आ रहा, उसको वॉच नज़र नहीं आ रहा, वॉलेट नज़र नहीं आ रहा, कि आखिर है कहाँ, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज वे में रखा ही हुआ नहीं है, ठीक है। लेट्स एज्यूम अब ये गर्ल्स है, ये गई अलमारी, ये गई घर, इसे भी पार्टी में जाना, तो इसको पता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, किस मैचिंग ड्रेस के साथ कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है, तो इसको इजीली उस निकाल सकती है, तो उससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी, तो यहाँ पे टाइम सेव होती है, ठीक है, टाइम मेरा बचा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, डेटा को सर्च करने, मतलब कपड़ा कौन सा पहनना है उसको सर्च करने में भी टाइम जा रहा है, उससे में इसीलिए ये जो डेटा बेस में जो डेटा होता है ना वो ऑर्गेनाइज्ड, एक सेकेंड, ये ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में होता है, अरेंज ऑर्गेनाइज मतलब कि मतलब जो डेटा है, मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट का डेटा है, अगर मान लीजिए सिंपली अगर यहाँ पे रेड कलर की टॉप है तो उसके साथ ब्लैक कलर की जीन्स होगी, रेड कलर की स्टिक होगी, लेट्स एज्यूम, ओके, तो वो एक साथ अरेंज है ना। अब ये नहीं कि इस बंदे के लड़के के जैसा कि एक शर्ट यहाँ है, पैंट का पता नहीं, शूज का पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑर्गेनाइज वे में है कि हाँ अगर एक तरह का डेटा है तो इसके साथ किस तरह का डेटा और रख सकते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज है। सिस्टमेटिक मतलब अगर यहाँ पे एक तरह का डेटा है तो सिर्फ एक तरह का ही डेटा है, दूसरा डेटा उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। इसीलिए जो डेटाबेस है जब प्लेस और मीडियम वे डेटा इज स्टोरिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, तो क्यों भाई, फॉर इजी रिट्राइविंग ऑफ डेटा। हमने देखा जैसे यहाँ पे बंद लड़के को कपड़े खोजने में देरी हुई, मतलब टाइम तो लगेगा लेकिन लड़की को, गर्ल्स को यहाँ तुरंत मिल जाएगा क्योंकि सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस में डेटा है तो डेटा हम लोग कुछ टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं ना, वो टास्क क्या क्या है, ठीक है, वो टास्क है क्रिएट, हम लोग क्या नया रिकॉर्ड बना सकते हैं ना, मतलब सिंपली
अगर मैं बोलूँ एक सेकेंड, इसको मैं जरूरत नहीं है, जब ये डेटा है इसमें डेटा एंटर हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉरी, तो हम लोग नया रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ है डेटा तो उसको हम रीड भी तो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा तो उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है कुछ अपडेट, और अगर ज़रूरत ना हुआ तो उस डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। सॉरी, डिलीट भी कर सकते हैं डेटा, ठीक है। तो अगर सिंपल करें, क्रिएट करना मतलब कोई डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, कलर चेंज कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, रीड करना मतलब रीट्राइव कर रहे हैं डेटा को, फिर कलर चेंज नहीं हुआ कोई ना, रिट्राइव करना, अपडेट करना मतलब मॉडिफाई करना, मॉडिफाई बोले या एडिट करना, एडिट करना, डिलीट करना मतलब ड्रॉप करना। तो इतने सारे काम हम कर सकते हैं डेटाबेस में। इतने सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन या टास्क बोले या इसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो ऑपरेशन हो गया ना पूरा, जो क्रिएट हो गया, ये जो क्रिएट हुआ, ये रीड हुआ, ये अपडेट हुआ, डिलीट, इस ऑपरेशन को बोला जाता है क्रड ऑपरेशन, जो हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं इस ऑपरेशन को बोलते हैं क्रड ऑपरेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम डेटाबेस में कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं तो क्रड ऑपरेशन। होप कि आपको ये डेटाबेस का लेक्चर समझ में आया होगा और उसके उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रहा, और उसमें जो ऑपरेशंस की बात करें तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज क्रड ऑपरेशन, ओके। मोस्टली हम लोग यही ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। होप कि आपको ये लेक्चर डेटाबेस का समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से वहाँ डेटा स्टोर होते हैं, तो किस तरीके से होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, और इस पर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे DBMS, व्हाट इज DBMS एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे DBMS एंड टाइप्स ऑफ DBMS। होप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।